ओम शांति। राजयोग शिविर के 9th डे के सेशन पे आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। 9th डे की सेशन हम सब के लिए विशेष है और बहुत प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ये लास्ट 8th डेज तक हम सारे थियोरिटिकल बातें सारे सुनते आ रहे थे, लेकिन आज जो बात है वो विशेष करके प्रैक्टिकल बातों के ऊपर है। शायद आप सबको समझ में आ गया होगा, आज की सेशन को आप सबने पढ़ा भी होगा, विशेष राजयोग मेडिटेशन के ऊपर है। वास्तव में देखा जाए तो हम तो फर्स्ट डे से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक वैसे वैसे हमारी मेडिटेशन हो रहा था, लेकिन आज पूरा प्रैक्टिकली मेडिटेशन की ओर जाएंगे। तो उससे पहले मेडिटेशन को हमें थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये जानना चाहिए कि राजयोग मेडिटेशन ये क्या चीज़ है। या उससे पहले भी अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, मेडिटेशन हम किसे कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के संबंध संपर्क में हम आते हैं, जब उनसे बातचीत होती है, डिस्कशंस होता है, तो बाहर वाले भी काफ़ी सारे भाई बहने हमें ये भी कहते हैं कि दीदी हम तो रोज़ मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन भी नहीं कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दीदी हम तो रोज़ योगा करते हैं। लेकिन योगा अलग चीज़ है और योग अलग चीज़ है। सिर्फ ए लेटर ए का फ़र्क है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। योगा मीन्स ये शरीर के ऊपर जाता है, योग मतलब इस आत्मा के ऊपर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। योगा शरीर के लिए करते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो या फिजिकल एक्सरसाइजेस हो या कुछ भी आदि आदि। आजकल बहुत सारी चीज़ें एरोबिक्स है, जुम्बा है ना, तो ये जो सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं इसको योगा कहा गया है। ये शरीर को ठीक रखने के लिए हम अभी तक योगा हम करते आए हैं, लेकिन योग मेडिटेशन ये अलग चीज़ है, योगा एंड योग। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि जो योगा है वही योग है, ये नहीं है। योगा अलग है और योग अलग है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मेडिटेशन, मेडिटेशन इज़ नॉट इक्वल टू प्रेयर, राइट। इन प्रेयर हमने क्या किया कि हम अपनी तरफ से उस परमात्मा के लिए बहुत सारी चीज़ें हम भजन के आधार से हम गाते आए, कीर्तन के आधार से हमने अपने दिल की बात को सुना भी लिया, प्रेयर में बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, बहुत सारे पूजाएं आदि कर लिए, है ना, जप तप आदि कर लिया। तो ये सारे हमने प्रेयर के आधार से हमने किया, दीज आर कॉल्ड एज द प्रेयर प्रेयर्स, है ना। और इस प्रेयर में हमने क्या किया, हम परमात्मा से मांगते भी आए, हाथ जोड़ा तो ही हमारा मांगना शुरू हो गया कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, हे भगवान मेरा ये काम करा देना, हे भगवान उनको ठीक करा देना, हे भगवान मुझे ये मिल जाए, हे भगवान ये थोड़ा सा काम बन जाए। तो प्रेयर में एक चीज़ क्या हुआ कि हम अपने लिए सब कुछ मांगते आए, या हम कहें कि हम अपने हिसाब से उस परमात्मा के सामने दो हाथ जोड़े कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सारी चीज़ें हम प्रेयर में हम करते आए, अपने स्वार्थ के हिसाब से जो भी आदि करते आए। क्योंकि आज देखो, मैंने ये भी कहा हुआ है कि मनुष्य ही सबसे बड़ा एक ऐसी प्राणी है जो सबसे बड़ा स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ के लिए आज परमात्मा को भी उसने नहीं छोड़ा, उसको भी यूज़ किया। ऐसे नहीं कि भगवान को हम यूज़ नहीं कर सकते, परमात्मा को हम यूज़ कर सकते, लेकिन यूज़ करने की एक विधि होनी चाहिए जिससे हमें उसे वो प्राप्ति मिले, ठीक है। लेकिन अपने स्वार्थ के नाते से हमने परमात्मा के साथ भी हमेशा एक बिजनेसमैन के जैसा हम उसके साथ ट्रीट किए कि तू अगर मेरा ये काम करा देगा तो ये चढ़ावा करूँगा, अगर तू मेरा ये काम बिगड़ी हुई काम को अगर तू सुधार देगा तो ये मैं मानसिक रखा हूँ तो ये करूँगा, समझ में है ना। अरे या मेरे परिवार के अंदर अगर
ये सब कुछ ठीक ठोक ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं फिर ये करा दूंगा। तो इस रीति से हमने एक बिजनेस डील किया परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ। और आप देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, परमात्मा को जानना समझना, अर्थात उसके ज्ञान को जानना और समझना, ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत डेप्थ है। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम हमेशा अपने हिसाब से हम उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान हुआ है तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान है तो फिर उस चीज़ को ऐसा नहीं क्यों कर दिया, भगवान है तो उसको क्यों नहीं बचा लिया, भगवान है तो ये काम क्यों नहीं कर दिया। तो हम अपने हिसाब से उसको यूज़ करते आए, ठीक है, हम अपने हिसाब से वो प्रेयर करते आए, ताकि इस प्रेयर के आधार से काश हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन मेडिटेशन इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रेयर। मेडिटेशन क्या है? इट्स द टू वे कम्युनिकेशन है, बट प्रेयर इज़ द ओनली वन वे कम्युनिकेशन। मेडिटेशन इज़ द टू वे कम्युनिकेशन। कैसे? कि मेडिटेशन में हमें ये मुंह खोलना नहीं पड़ेगा, हमें कोई प्रेयर यहाँ से गाना नहीं पड़ेगा, कोई भजन यहाँ से गाना नहीं पड़ेगा, कोई कीर्तन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेडिटेशन में हमें अपने संकल्पों के ऊपर बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा, संकल्पों के ऊपर। क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा शरीर भले बैठा हुआ रहता है, लेकिन उस समय हमारे मन और बुद्धि, आत्मा की ये दोनों शक्तियाँ काम करने के लिए तैयार रहती है, इसको यूज़ किया जाता है। एंड मन और बुद्धि जब दोनों एक दिशा में जाना शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज़ द एक्चुअल मेडिटेशन, विच गिव्स मी पीस, विच गिव्स मी हैप्पीनेस, विच गिव्स मी ब्लीस, ठीक है ना। तो ये मेडिटेशन है, और उसके लिए इस राजयोग मेडिटेशन के लिए मन और बुद्धि का काम ज़्यादा रहता है। कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर देना, कोई प्रेयर गा देना, कोई भजन गा देना, कीर्तन गा देना, ये रिलेटेड नहीं है मेडिटेशन के साथ। क्योंकि मैंने कहा इट्स द टू वे कम्युनिकेशन है। आपने यहाँ से कोई थॉट यहाँ से आपने रेडिएट किया, तो वो थॉट परमात्मा के पास पहुँचा, तो वहाँ से फिर वो वाइब्रेशन उस हिसाब से मैं रिसीव करना शुरू की। देखो, परमात्मा हमेशा देने के लिए वो तैयार है और वो देता भी है, लेकिन अभी तक हम उससे लेने के लिए अपने आप को वैसा लायक नहीं बनाए हैं, समझ में आया ना, लायक नहीं बनाए। अर्थात परमात्मा का देने का तरीका भी अलग है, क्योंकि ईश्वर का तो कोई शरीर नहीं है कि वो हमारे सामने आएगा और हमारे हाथ में कोई चीज़ को पकड़ा देगा, ले तो ये सुख ले ले, ये शांति ले ले, ये है ना, ये चीज़ ले ले, वो तो ईश्वर नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर का देने का जो तरीका है वो अलग है और हमारा देने का तरीका अलग है। हम शरीरधारी हैं, ठीक है, हम किसी को देंगे तो कोई चीज़, कोई वस्तु, ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और परमात्मा का देने का तरीका अलग है। वो देते समय क्या देगा? वो सुख देगा, शक्ति देगा, ज्ञान देगा, शांति देगा, आनंद देगा, प्योरिटी देगा, ये सारी चीज़ें देगा। तो ये सारी चीज़ें देने का तरीका ये है कि जैसे उसने हमें ये कहा, मेडिटेशन मतलब क्या है, कि इट्स ए लविंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सोल एंड विद द सुप्रीम सोल, सोल विथ दैट सुप्रीम सोल, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन प्रेयर में क्या करते हैं? कोई देवी देवताओं का चित्र, जिसको भगवान का नाम लेकर के हम पूजा आराधना करते आए, हाथ जोड़ा उसके सामने, कोई भजन गा लिया, कीर्तन कर लिया, भोग लगा दिया, चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दिया, दिया लगा दिया, ये सारा करके काम तमाम कर दिया, एक रिवाज बना है उसको हम ख़त्म कर दिए, और हमें लगा कि हम ये पूजा पाठ आदि कर दें, हमें उसकी प्राप्ति मिलेगी। लेकिन मेडिटेशन में उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। मेडिटेशन क्या है? कि आत्मा के साथ परमात्मा का एक सुंदर कम्युनिकेशन है, जिसको मेडिटेशन कहा गया है। हम आत्माओं के साथ पिता परमात्मा का जो कनेक्शन है, उसको मेडिटेशन कहा गया है। उसमें हमें शक्ति मिलती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं,
एनर्जेटिक। आज इंसान कहाँ से थका हुआ है, अगर आप देखो ये शरीर थका हुआ रहता है तो ये अगर 2-4 घंटा सो जाता है एक्स्ट्रा तो ये शरीर को फिर से वो रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। लेकिन जब ये मन थका हुआ रहता है तो इस मन के लिए हम क्या करते आए अभी तक, कुछ भी नहीं किया। शरीर थक जाता है तो हम कहते हैं कि बस मुझे 2-3 घंटा सोने दीजिए, कोई मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, तो ये शरीर को हम सुला भी देते हैं। और जब हम उठते भी हैं तो हमें रिफ्रेशमेंट लगता है। लेकिन जब ये आत्मा उसकी शक्तियाँ जब थक जाती है तो उसके लिए आज दिन तक हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी हमने नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये थके तो इसके लिए क्या चाहिए, अगर मन थक जाए तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें तो वो पता ही नहीं था। तो अभी शिव परमात्मा आकर के हमें वो टेक्निक हमें सिखा रहे हैं, समझ में आया। और इसलिए वो हमें इस मेडिटेशन को सीखने के लिए उसने हमें क्या कहा कि जैसे हम शरीरधारी हैं तो जब हम शरीरधारी को याद कर सकते हैं, ठीक है, हम फिज़िकल फॉर्म में हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि हम शरीरधारी हैं तो हम शरीरधारी किसी शरीरधारी को याद कर सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं एक शरीरधारी हूँ, ठीक है, तो मैं किसी शरीरधारी को, चाहे वो मेरे माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, फ्रेंड सर्कल्स हो, कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, तो हम उनको याद करते, मतलब शरीरधारी को याद करते हैं। जैसे शरीरधारी के माता पिता शरीरधारी हैं, तो वैसे हमने सब सीख लिया है कि हम सभी आत्माओं का पिता वो परमात्मा है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी कॉन्शियस से अपने आप को दूर रखते हैं, हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियस से दूर रखते हैं। एंड बॉडी कॉन्शियस से दूर रखते हैं मतलब क्या है, हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं सिस्टर श्वेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, समझ में। ये हमारी बॉडी कॉन्शियस है, आत्मा पहले ये शरीर के साथ बैठी हुई है। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को पहले इस शरीर से डिटैच करते हैं। अब डिटैच करने का तरीका ये नहीं है कि आत्मा कोई चीज़ है इसको यहाँ से निकाल दो, शरीर को निकाल दो, ऐसा नहीं है। डिटैच का मतलब है एक संकल्प हम उस समय करते, एक अफर्मेशन लेते हैं कि आई एम ए सोल एंड दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये पहली स्टेप है। राजयोग मेडिटेशन सीखने का तरीका ये है। कहीं पर भी आप बैठो मना नहीं है, आप कुर्सी पे बैठो, आप सोफे पे बैठो, आप नीचे बैठो, आप बेड के ऊपर बैठो, कोई मना नहीं है, कहीं पर भी बैठो। इवन आप ट्रैवल भी कर रहे हो, कोई मना नहीं है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने के लिए जाओ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने आप को क्या समझो। आप अपने आप को मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी दादी हूँ, मैं इनका पोता हूँ, मैं इनकी बहू हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका पापा हूँ, मैं उनकी मम्मी हूँ, ये नहीं सोचना है। ये है बॉडी कॉन्शियस। मैं कौन हूँ, इन सिंपल वर्ड मैं कौन हूँ, आई एम ए सोल, सिर्फ यही मैं, सिर्फ यही मैं रह जाना, आई एम ए सोल, बस उसके आगे और नहीं। क्योंकि मुझे परमात्मा को याद करना है, परमात्मा जो कि खुद एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उसका कोई शरीर नहीं है। अगर शरीर होता मैं अपने आप को सोच करके बैठती, आई एम सिस्टर श्वेता, आई एम ए टीचर, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, ऐसा ऐसा, तो ठीक है, ओके है। लेकिन मेरा पिता जो कि खुद ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो मुझे अपने पिता को जब याद करना है तो मुझे भी उस ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में मुझे पहले अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, स्थिर कि बस आई एम ए सोल एंड नथिंग एल्स। भले आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े अच्छे और भी कोई प्रोफेशनल फील्ड में हो, उसको सबको साइड करो,
इस मेडिटेशन में कोई इस फिजिकल फॉर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई पोस्ट, पोजिशन, डेजिग्नेशन, कोई रिलेटिव्स, रिलेशंस, इस राजयोग मेडिटेशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प के साथ संकल्प टच करता है जो मुझे करना है। इसलिए इस बात के ऊपर अटेंशन मेडिटेशन के समय कि बस आई एम अ सोल और मैं इस शरीर में हूँ, शरीर अलग है एंड आत्मा अलग है, आत्मा अलग है और मेरा पिता वो परमात्मा है, तब वो कनेक्शन जुड़ता है। जब मैं पहले ये संकल्प करूँ कि आई एम ए सोल, तो अपने आप मुझे मेरे पिता परमात्मा नज़र में आएंगे। मैं अगर सोचूं कि मैं एक शरीरधारी हूँ, आई एम सिस्टर श्वेता, तो मुझे मेरे सारे शरीरधारी में जिनके साथ रह रही हूँ वो मुझे याद आएंगे, नहीं तो मेरे रिलेटिव्स याद आएंगे, नहीं तो मेरे परिवार वाले याद आएंगे, तो वो योग करने नहीं देगा। वो क्या होगा, मन और बुद्धि उनके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। एंड इट्स ए प्रैक्टिस, एंड इट्स ए प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि कोई एक दिन की प्रैक्टिस से ये हमारा हो जाएगा, ऐसे भी नहीं। मुझे इसके ऊपर कंटिन्यूस थोड़ा समय निकाल करके मुझे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी ये असर करेगा, तभी ये काम करेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को जब हम पहली बार शुरू करते हैं ना, तो वो हमें तुरंत हमें वो मैंने बेनिफिट नहीं देता है। कोई भी कारोबार को जब हम पहली बार शुरू करते हैं तो वो हमें पहले दिन सपोज़ मान लीजिए फ़ायदा नहीं दे सकता है, लेकिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस होने के बाद होने के बाद होने के बाद वो हमारे सामने एक रिज़ल्ट ले ही आता है, एक रिज़ल्ट, और बहुत सुंदर सा रिज़ल्ट ले आता है। बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन लास्ट 15 ईयर्स, सोचो। एंड इन दिस यूनिवर्सिटी आवर जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो दादियाँ हैं, जो कि चीफ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैं, लास्ट 83 ईयर्स से वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दैट आई एम सेइंग कि कोई एक दिन की प्रैक्टिस से मुझे शायद कुछ नहीं मिल सकता है, बट इट्स गारंटेड कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, कंटिन्यूस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा। किस बात के लिए इम्पॉर्टेंस, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना है तो सारे दिन भर भी मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा, सारे दिन भर मुझे अटेंशन रखना पड़ेगा। किस बात के लिए, कि मैं कहीं से भी कोई भी तरफ से कोई वेस्ट में नहीं जाऊं, मैं किसी के साथ कोई वेस्ट डिस्कशंस नहीं करूं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज इंडिया में क्या हो रहा है और कितना दिन लॉकडाउन चलेगा। मान लो अगर हम डिस्कशंस भी करते हैं कि आज अभी कितना दिन तक लॉकडाउन चलेगा, कोई रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जब तक चलना है ये चलेगा, ये चिंता किसका काम है, ये चिंता प्राइम मिनिस्टर का काम है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के वो चल रहे हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है, जो जो नियम बताया जा रहा है उन नियमों को पालन करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट्स इट। तो मेडिटेशन के दौरान भी मुझे क्या करना है कि सारे दिन भर में मुझे ये चेक करना है कि कोई भी वेस्ट बातों में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि नाउ इट इज वेस्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा 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 है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोलूँ कि नेगेटिविटी से वेस्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट वर्ड्स, वेस्ट एक्शंस, सब कुछ है। अगर हम चार मिल जाए कोई जगह पर बैठ जाएं, तो हमारा पहले डिस्कशंस क्या होता है, कैसे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, भले कोई हम नेगेटिव डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो गया उसको फिर हम बाद में बैठ करके डिस्कशंस करना, मतलब कि हम जानबूझ करके हम अपनी आत्मा से सारी एनर्जी को गुम कर रहे हैं, लॉस हो रहा है मेरी एनर्जी, मेरी शक्तियाँ गायब हो रही है,
पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी शक्तियाँ कैसे गुम हो जाती है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, वेस्ट डिस्कशन से भी मेरी शक्तियाँ अर्थात मुझ आत्मा की शक्तियाँ जा रही है, तो इसलिए मुझे मेरे ऊपर खुद के ऊपर कितना अटेंशन देना ज़रूरी है। सोचो, जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ वो डिस्कशंस करना है, मुझे लोगों के साथ मिलना है, लोगों से मुझे बातचीत करना है, लेकिन बट बी अवेयर ऑफ दिस वेस्ट एक्शंस, वेस्ट थॉट्स, उससे मुझे अपने आप को बचाना ज़रूरी, क्योंकि मैं मेडिटेशन सीखने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मेडिटेशन में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि सारा दिन भर अगर कोई ना कोई झमेले में हम अपने आप को फंसा करके रखें और लास्ट में हम मेडिटेशन करें और बोलें कि मेडिटेशन हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि सारे दिन भर में हम अपने मन को जिन बातों के और हम बिज़ी करके रखे हुए थे, और जब हम साइलेंस में बैठते हैं, एंड वी आर सभी अनुभवी हैं, और जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सबसे पहली बात हमारे मन के ऊपर स्ट्राइक करने वाली बात क्या होती है? जो बात अभी बीता हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पहले, वो साइलेंस होने के लिए नहीं देगा। इसलिए मुझे मेरी पूरी दिनचर्या को सेट करना बहुत ज़रूरी है। सवेरे कितने बजे से हम उठ रहे हैं, सवेरे से उठने से लेकर के रात को सोने तक की पूरी दिनचर्या को मुझे सेट करना है, बिकॉज़ ये कोई सिंपल मेडिटेशन नहीं है, सिंपल मेडिटेशन नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हम मेडिटेशन करें तो मुझे वो शांति मिल जाए, मेडिटेशन करें तो हम खुश होकर के रहें, मेडिटेशन करें तो हम सुखी होकर के रहें, मेडिटेशन के द्वारा हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, सभी चाहते हैं। और अगर मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है पूरी दिनचर्या में, पूरी दिनचर्या में। राजयोगा मेडिटेशन है ना, राजयोगा क्या है? आपका आपको राजाओं का राजा बनाने वाला है, अर्थात ये मन राजा बनने वाला है, मन राजा। बाबा क्या कहता है कि ये आत्मा मालिक है और ये सारी उसकी कर्मेंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीवा हाथ पांव, ये सारी उसकी कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन वर्तमान समय क्या हो गया है कि ये जो कर्मेंद्रियां, जो कि कर्मचारी होना चाहिए, वर्तमान समय ये सारी कर्मेंद्रियाँ एक एक राजा बनकर के अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं, और ये आत्मा बेचारा दासी बन गया है। उल्टा होना चाहिए इसको राजा, और ये जो सारी कर्मेंद्रियाँ होना चाहिए उसको कर्मचारी, आज ये बन गए हैं सारे राजा, और ये आत्मा जो यहाँ बैठी है ये बन गई है दासी। जो इन आँखों को नहीं देखना चाहिए वो आँखें देख रही है, जो इन कानों को नहीं सुनना चाहिए वो ये कान सुन रही है, जो ये मुख को नहीं बोलना चाहिए ये वो मुख बोल रही है। तो अब मुझे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए भी मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। मेडिटेशन भी हमें काफ़ी दूर तक हमें मदद करता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज है, मुझे अपने आप को वेस्ट थॉट्स, वेस्ट एक्शंस एंड वेस्ट वर्ड्स से मुझे अपने आप को थोड़ा सा किनारा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि इस मेडिटेशन के पिलर्स क्या हैं, मेडिटेशन के पिलर्स क्या हैं और कौन सी बातों के ऊपर। मुझे अगर राजयोगा मेडिटेशन मुझे अगर करना है तो सबसे पहली चीज़ मुझे रेगुलर क्लास सुनना पड़ेगा। जो नॉलेज यहाँ पर दी जाती है उस नॉलेज को रेगुलर मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉलेज कोई साधारण नॉलेज नहीं है, कोई कॉमन नॉलेज नहीं है, कोई कॉमन नॉलेज नहीं, क्योंकि परमात्मा जब खुद ये ज्ञान दे रहा है तो वो कोई साधारण ज्ञान नहीं हो सकता है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हमारी बुद्धि की ताला को खोलता है, बुद्धि की ताला को, क्योंकि इतने लंबे समय से हम सभी अनेक प्रकार की बातों की जालों में फंसे हुए हैं,
अनेक प्रकार की ब्लाइंड फेथ्स को लेकर के हम चल रहे हैं, अनेक प्रकार के बिलीव सिस्टम्स को लेकर के चल रहे हैं, बस आंख बंद करके हम मान रहे हैं, जो जहां से जैसे कहा उसको हाँ जी सत्वचन महाराज बोल करके हम सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमने कभी अपना सोच भी नहीं चलाया कि क्या है क्या नहीं है। तो नॉलेज हमारी बुद्धि की ताला को खोलता है, सही और गलत की परखने की शक्ति हमारे अंदर भरता है, सही और गलत क्या माने और किसको अवॉइड करें, किसको एक्सेप्ट करें, यह नॉलेज हमें सिखाता है। इसलिए यह नॉलेज हम रेगुलर यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेगुलर हम एक घंटा अपने लिए समय देते हैं, जिसको कहा जाता है मुरली क्लास। मुरली क्लास, मुरली मतलब वो नहीं मुरली जो फ्लूट प्ले करते हैं उसको मुरली नहीं, ज्ञान को मुरली कहा गया है। रेगुलर पहले ज़माने में गुरुकुल आश्रम में बच्चों को छोड़ा जाता था पढ़ने के लिए, उनको मोरल वैल्यूज़ के ऊपर वो क्लासेस दी जाती थी, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। स्कूल्स में भी तो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर क्लासेस दी जाती हैं, लेकिन जब हम स्कूल्स में क्लास कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ खुद ही अनेक सारे स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के साथ जब बातचीत होती है तो प्रिंसिपल्स हमें खुद कहते हैं कि दीदी कम से कम मोरल वैल्यूज़ के जो क्लासेस हैं वो आप लोग लीजिए, क्योंकि ये कोई रटा रटाया वाला नॉलेज नहीं है कि और उनको एज ए मैथमेटिक्स या एज ए साइंस के जैसे हम क्लास में सभी स्टूडेंट्स को सुना लिए और वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ये बात नहीं है और हम ये फील कर रहे हैं। यस इट्स राइट, मोरल वैल्यूज़ जो कि हमें यहाँ परमात्मा डायरेक्ट दे रहा है, जो हमारी जीवन को सुधार रहा है, हमारे अंदर वो परिवर्तन ला रहा है, जो क्लासेस हमें यहाँ मिलते हैं वो हमारे अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस लाता है, जो मेडिटेशन हम सीखते हैं उसके दौरान हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है, हमारे भाव हमारे स्वभाव हमारे चाल चलन व्यवहार सोच विचार कर्म सब में एक परिवर्तन आता है, क्योंकि यहाँ जो क्लासेस होती है इट्स ओनली रिलेटेड टू मोरल वैल्यूज, इसमें कोई धर्म का डिस्कशंस नहीं है, कोई जाति का डिस्कशंस नहीं है, कोई वर्णों का डिस्कशंस नहीं, कुछ भी नहीं है, इट्स एन स्पिरिचुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड नथिंग एल्स। तो फर्स्ट है ये मुरली क्लास, फर्स्ट पिलर। अगर मुझे राजयोग मेडिटेशन सीखना है, मुझे एक्यूरेटली उसको करना है, परफेक्शन लाना है, अपने अंदर परफेक्शन लाना है, क्योंकि आज वर्तमान समय सभी चाहते हैं कि हम अपने अंदर परफेक्शन लाएं, हम परफेक्ट बन जाएं। तो मुझे इस क्लास के ऊपर भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग क्या है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण किसकी शुद्धिकरण, इस आत्मा के शुद्धिकरण के ऊपर इम्पोर्टेंस देने, क्योंकि कहा गया है कि स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। स्वच्छता जैसे शरीर को स्वच्छ करते हैं, जैसे शरीर को नहलाते हैं, तो वैसे ही इस आत्मा की शुद्धिकरण। आत्मा की शुद्धिकरण कैसे, हर एक व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए गुड विशेष ही निकले, हमेशा हमेशा के लिए, यह है आत्मा की शुद्धिकरण। तीसरी चीज़, थोड़ा सा हमें अपने भोजन के ऊपर भी अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा अन्न वैसा मन होता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ दैवी गुणों की धारणा, दिव्य गुण। दिव्य गुण क्या क्या है, जैसे मधुरता हुआ एंड धैर्यता हुआ, पवित्रता हुआ, स्वच्छता हुआ, अंतर्मुखता हुआ, तो ये सारे दिव्य गुणों की धारणा यहाँ पर कराई जाती है। एंड धीरे धीरे, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं एक दिन में सब कुछ कर लूँ, मुझे एक दिन में सब कुछ मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ रखना पड़ेगा, थोड़ा तो क्या, पूरे पेशेंसफुली आपको चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको समझना पड़ेगा,
क्योंकि अभी तक ईश्वर के साथ मैंने कहा ना कि एक सेल्फिश वाला हमने रिलेशन जोड़ा कि भगवान था तो ऐसा क्यों नहीं किया, आज से हम भगवान को नहीं मानेंगे, आज से हम ये पूजा नहीं करेंगे, आज से हम ये चीज़ नहीं करेंगे। नहीं, भगवान ने कभी नहीं कहा ऐसा। इसलिए आपको पहले नॉलेज दी गई, पूरा ड्रामा का ज्ञान आपके सामने रखा गया, फिर लास्ट चैप्टर मेडिटेशन की ओर आए ताकि हम क्लियरली समझ सकें। तो ये एक राजयोगी जीवन जीने के लिए ये चार पिलर्स जो मैंने आपके सामने रखा, पहली है रेगुलर क्लास, दूसरी है ये आत्मा की शुद्धता, तीसरी है अपनी भोजन की शुद्धता, चौथी है अपने दिव्य गुणों की धारणा, जो कि हमें इस मुरली क्लास में हमें मिल जाता है। धीरे धीरे रास्ता खुलता जाता है और बहुत ईजी होता जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो फिर जब हम इतनी सारी चीज़ों के ऊपर जब हम अटेंशन रखना शुरू करते और जब हम योग में बैठते हैं, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला संकल्प हम लेते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं पिता परमात्मा का संतान हूँ, बस उसके आगे और कुछ नहीं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, नहीं, ये कुछ भी नहीं। परमात्मा नहीं देखता है कि आप कौन हो, परमात्मा ये शरीर के तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती है, हमारे अंदर क्या संकल्प चल रहा है वो रिसीव करता है और उस हिसाब से वो अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों को वो सेंड करता है। तो लेकिन कभी हमने किया नहीं है ना, तो इसलिए शुरू शुरू में करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई अपने जीवन भर में कोई एक्सरसाइज किया ही नहीं होगा और उसको आप बोलो कि आप 2 किलोमीटर जॉगिंग करके आओ, तो उसको कैसा लगेगा? बहुत टायर्ड फील होगा, वो टायर्ड फील करेगा, क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज किया नहीं है ना। जब पहला दिन शुरू करेगा, उसकी सारी नस जो हैं वो खींचेगा, कभी किया नहीं है। लेकिन किया नहीं हूँ और करूँगा नहीं बोल करके अगर वो छोड़ देगा तो फिर वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। लेकिन अगर वो बोल देगा कि नहीं, भले आज पहला दिन है तो ये होगा, ऐसा होगा, बट इसको अगर मैं कंटिन्यूसली करूं तो अपने आप जो स्ट्रिप हो जाते हैं जो नसें, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे, बॉडी कंफर्टेबल वो फील करेगा धीरे धीरे, अपने आप को वो कंफर्टेबल फील करेगा धीरे धीरे। तो मेडिटेशन इज़ आल्सो लाइक दैट। मेडिटेशन में हमें पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगा, अपने आप कभी नहीं आएगा पॉजिटिव थॉट्स। क्यों नहीं आएगा पॉजिटिव थॉट्स, क्यों मेहनत करना है? क्योंकि ऑलरेडी हम एक कलयुगी दुनिया के नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ एक नेगेटिविटी का बोलबाला है और पॉजिटिविटी की परसेंटेज बहुत लेस एंड लेस है। तो ऐसे समय पर हमें कोई बोले कि आप बैठो एंड पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करो, सही है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कभी हमने किया नहीं है ना। नेगेटिव थॉट्स को लाना, वेस्ट थॉट्स को लाना, इसके लिए मेहनत नहीं है। अगर मीटिंग एंड होता है, अगेन पासकोड दे करके आप सभी रीएंट्री कीजिएगा, सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कहा कि कभी हमने ये मेहनत किया नहीं है ना अपने ऊपर, तो इसलिए हमें थोड़ा सा
ओम शांति। तो मैंने क्या कहा कि जो चीज़ हमने कभी अपने जीवन काल के अंदर नहीं किए हुए हैं, जब कोई भी हो इसको पहली बार जब शुरू करते हैं वो थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है, लेकिन करते 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 धीरे धीरे वो हमारे आदत बन जाते हैं। और ये मेडिटेशन की आदत हमें बहुत सुंदर सा रिज़ल्ट हमें देता है, बहुत सुंदर सा रिज़ल्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि कोई डायबिटिक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास अगर जाए और डॉक्टर उनको अगर बोल दे कि भाई कल से आप जॉगिंग करना शुरू करो, कल से आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, या कल से आप वॉकिंग करना शुरू करो, आप ये चीज़ कम खाना, है ना, स्वीट को टच भी नहीं करना, ठीक है। और उस समय अगर पेशेंट डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, तो डॉक्टर भी क्या बोलेगा, जाओ फिर मरो, डॉक्टर भी तो बोलेगा ना ऐसा। डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डॉक्टर उनको सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये चीज़ों के ऊपर अटेंशन दो, कुछ परहेज डॉक्टर भी कहता है, मीठा नहीं खाना, पोटैटो नहीं खाना, राइस कम लेना, ठीक है। तो कुछ परहेज रखता है ना इस शरीर को ठीक रखने के लिए। अभी पेशेंट अगर खुद कहे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मैं मीठा के बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं मैं आलू के बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं मैं राइस के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो डॉक्टर भी क्या बोलेगा, ला जाओ मरो फिर, जैसे रहना है वैसे रहो, मेरे पास क्यों आए हो। तो मेडिटेशन इज सेम टू सेम लाइक दैट। मेडिटेशन करने के लिए भी हमें भी कुछ परहेज दी गई है, परहेज कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है मेडिटेशन के लिए, जो मैंने परहेज आपको बताया पूरा, कि सारे दिन भर में हमें थोड़ा सा खुद के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों के ऊपर, कि मैं कोई जास्ती वेस्ट बातों में, फालतू बातों में नहीं जाऊं, फालतू डिस्कशंस अगर कहीं हो रहा होगा तो उससे मैं भले हमेशा दूर ही रहूँ, क्योंकि डिस्कशंस सुनना अर्थात डिस्कशंस के अंदर एंट्री करना, सुन करके, हाँ आप 10 मिनट चुप रहेंगे, 15 मिनट चुप रहेंगे, उसके बाद आप देखना 2-4 लाइन आप भी बोलना शुरू करोगे। बस सुनते थे लेकिन फिर बोलना शुरू कर दोगे, और वो डिस्कशंस बढ़ते बढ़ते कितना दूर जो बढ़ जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए इन बातों के ऊपर हमें अटेंशन देना पड़ेगा, और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को हमें लाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको ड्रामा का ज्ञान दिया गया है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना बजे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण है, बिना रीज़न का कुछ नहीं हो रहा है। हम ड्रामा के नॉलेज को नहीं जानते थे तो इसलिए हम परमात्मा को ब्लेम करते थे कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आज से मैं तुझे नहीं मानूंगा, तेरे दर पर नहीं जाऊंगा। नहीं, जब औरों के साथ कुछ होता है तो उस समय हम कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, उनका इतना दिन का था, इतना दिन रहे, फिर वो आत्मा चली गई। लेकिन जब बात अपने परिवार की तरफ आता है तो उस समय हम पलट जाते। भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार के सभी सदस्यों को लास्ट तक मैं जीवित करके रखूँगा, ये परमात्मा ज्ञान नहीं है। हम अपनी तरफ से उस हिसाब से हम सारे सपने संजो के रख लिए कि हम इस ईश्वर का पूजा कर रहे हैं तो ये हमारा सारा रखवाली करेगा, सब कुछ करेगा। ईश्वर ने नहीं कहा कभी। इसलिए आपको सबसे पहले ड्रामा का ज्ञान दिया गया ताकि बुद्धि में अच्छी तरह से उसको डालो, ताकि इस जीवन काल के अंदर अगर ऐसी कोई चुनौती या कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तो कम से कम हम उस ईश्वर को ब्लेम ना करें, उस गॉड को ब्लेम ना करें कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। और बात को समझ करके आगे बढ़ने की फिर हम कोशिश करें। इसलिए नॉलेज दिया गया ताकि चलते चलते हम कहीं भटक ना जाए, चलते चलते ईश्वर के प्रति हमारे अंदर कोई ना कोई संशय बुद्धि ना आ जाए, क्योंकि कहावत है ना कि संशय बुद्धि विनशंती और निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती, और ये होता ही है। फिर हम क्या कहते, आपके भगवान क्या किया, आपके भगवान क्या किया, आपके भगवान क्या किया।
अरे भगवान करने के लिए आया है क्या? भगवान जो कर रहा है वो करने की बात को अच्छी तरह से पहले समझो कि वो क्या करने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है। और ये सारी चीज़ें बहुत 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 मायने रखता है समझने के लिए, तब भी हम मेडिटेशन कर सकते। दूसरी चीज़ ये है, देखो मेडिटेशन सिर्फ वो लोग नहीं करते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, बहुत अशांति में हैं, जो बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं। मेडिटेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है, क्लियरली जान के रखो, मेडिटेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बहुत दुखी हैं, जो बहुत अशांत हैं, जो बहुत चिंताओं में हैं, जो बहुत परेशानियों में हैं, जिनके पास बहुत सारी परिस्थितियां आ रही हैं, जिनके पास बहुत सारी चैलेंजेस। मेडिटेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है। जैसे डॉक्टर भी पेशेंट को कहता है ना, पेशेंट भी देखो कई बार वो खुद, कई लोग ऐसे ही एक्सरसाइज करते, डॉक्टर की बातों को छोड़ो, कई लोग आप देखना ऐसे ही एक्सरसाइज करते हैं बॉडी फिटनेस के लिए, कई तो ऐसे ही एक्सरसाइज करते जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, वो भी तो एक्सरसाइज करते। और कई हैं जिनको डॉक्टर स्पेशली कहे हुए रहते हैं कि आज के दिन से आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करो, और कई ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर कहने के बाद भी वो नहीं करते। तीन प्रकार के लोग हैं। तो मेडिटेशन भी ऐसा क्या चीज़ है कि मेरे पास, मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं परेशान में हूँ, मैं चिंता में हूँ, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं मेडिटेशन करूँ शांति के लिए, उसके लिए मेडिटेशन नहीं है। हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? ये जो आत्मा यहाँ बैठी है और ये जो पूरे ये शरीर को जो चला रही है, जो पूरे मैकेनिज्म के साथ है, ये आत्मा को सशक्त करने के लिए, ये आत्मा को एम्पावर्ड करने के लिए, ये आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन सीख रही हूँ, सीख रही हूँ। कोई कोई ऐसे भी मेडिटेशन करते, कोई कोई हैं बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान में हैं, बहुत चिंता, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि जो दुखी ही हैं, जो परेशान ही हैं, जो अशांत ही हैं, वही मेडिटेशन करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं मेडिटेशन करती रहूं ताकि अचानक अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति आए, क्योंकि ये है ही कलयुग की दुनिया, तो मैं उस समय बहुत शांति से, बहुत टैलेंटफुली, बहुत पेशेंसफुली मैं सारी परिस्थितियों को हैंडल कर सकूं। इसलिए मेडिटेशन हमें मदद करता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज तो हम कहते कि ये राजयोग मेडिटेशन आज हर एक को सीखना चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, सबको सीखना चाहिए। ये एक गलत फहमी है कि बुज़ुर्ग होने के बाद हम ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं अभी से स्पिरिचुअलिटी, नहीं अभी एज नहीं हुआ है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी कोई एज को नहीं देखता है। स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, अगर एक छोटा बच्चा भी सही रीति से जान जाए ना, तो कभी वो अपने जीवन में कभी भटकेगा ही नहीं, कभी अपने जीवन में नहीं भटकेगा। अगर वो स्पिरिचुअलिटी को जान ले, परख ले, समझ ले, उसकी लाइफ बहुत स्मूथली चलेगा। हर परिस्थिति को बहुत अंडरस्टूड होकर के वो संभालना शुरू करेगा, हर परिस्थिति में वो खुशी खुशी से पार करेगा। जिस रीति से आज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस रीति से आज कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है, जिसमें हर एक को जीना मुश्किल है, उस जगह पर यह राजयोग मेडिटेशन काम करता है, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो। और इस मेडिटेशन के लिए ही मुझे ये क्लास जरूरी है, जिसको मुरली क्लास कहा गया है, मुरली क्लास कहा गया है, मुरली क्लास, जो मेरे बुद्धि के अंदर, मन के अंदर वो रेगुलर कुछ मोरल वैल्यूज़ जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। और जैसे जैसे ये मोरल वैल्यूज़ हमारे अंदर जाता रहता, हमारे अंदर की सारा कचरा बाहर निकलना शुरू होता, बॉडी कॉन्शियस के साथ रिलेटेड जो भी कचरा है सारा निकलता जाता है, सफाई होता जाता है, क्लिंजिंग होता जाता है, क्लिंजिंग होता जाता है, एक किनारा हमें मिलता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या डिसीज़न लेना है।
मुझे क्या सोचना चाहिए, ये हमें मदद करता है, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरी है, जो मेरी सोशल लाइफ में भी ज़रूरी है, जो मेरी फैमिली लाइफ में भी ज़रूरी है, जो मेरी पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है। आज हर एक को ये राजयोग का मेडिटेशन सीखना ज़रूरी है, हर एक को। आज हम कहीं पर भी जाते हैं क्लास कराने के लिए, तभी उनको समझ में आता है कि दीदी हाँ ये चीज़ सबको सीखना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के एक अलग अलग भावनाएं बैठी हुई है, अलग अलग भावनाएं बैठी हुई है। और स्पिरिचुअलिटी हमें एक किनारे पर लेकर के पहुंचाता है, सभी एक किनारे की तलाश में है। और राजयोग मेडिटेशन ये आत्मा को सशक्त करता है। अचानक कोई अगर बात आ जाती है हमारे सामने, तो उसको मैं कैसे फेस करूँ। फेस तो हम सभी कर रहे हैं, चाहे उदास होकर के फेस करें, चाहे घबरा के फेस करें, चाहे गुस्से से फेस करें, चाहे इरिटेट होकर के फेस करें, सभी तो फेस कर रहे हैं। लेकिन खुशी से निश्चिंत होकर के, रिलैक्स होकर के फेस करें, ये पावर अभी तक हमारे अंदर नहीं है। तो ये इस मेडिटेशन के आधार से ये कला भी हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है, राइट? और ये है राजयोग का मेडिटेशन, ये है राजयोग का मेडिटेशन। तो चलें राजयोग का मेडिटेशन की ओर। आज पूरा प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे, राइट? कर भी रहे हैं, है ना, और भी क्लियर रीति से करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं उस हिसाब से, उस डायरेक्शन में चलना है। मैं आपको बोलूं कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, तो तुरंत आपको क्या करना है कि आपको अपने उस स्वरूप में अपने आप को विजुअलाइज़ करना है। क्योंकि ये आत्मा को तो इन आँखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन हम अपने संकल्पों के शक्ति के आधार से उसको हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, एक आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उसको विजुअलाइज़ करो। एक विज़न को सामने ला कर के उसको विजुअलाइज़ कर सकते हूँ यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो वैसे ही मेरे मस्तक के ऊपर मैं देखना शुरू कर दूँ कि बाबा कैसे दिखता है। जैसे जैसे मैं बोलूँ, वैसे वैसे सारी चीज़ों को उसको यूटिलाइज़ करना है। वो है मेडिटेशन, राइट? सभी स्ट्रेट होकर के बैठ जाएं एंड रिलैक्स हो जाएं। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। धीरे धीरे अपने को अपने आप में स्थित करने ये संकल्प करें कि मैं इस शरीर के अंदर, इस मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सितारा हूँ। मैं सितारा बहुत सूक्ष्म हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाशमान हूँ। मैं इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ। ये शरीर मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। धीरे धीरे अपने आप को मैं इस रूम से दूर कर रही हूँ, डिटैच हो रही हूँ। फील करें कि शरीर अलग है,
और मैं आत्मा अलग हूँ, और मैं आत्मा धीरे धीरे इस रूम को पार करते हुए ऊपर की ओर जा रही हूँ। आकाश को देखें, बहुत सुंदर सुनहरा आसमानी कलर का आकाश, एक सुंदर सी प्रकाश फैला हुआ है आकाश में। फिर चांद, सूरज, सितारे, इन सबको मैं पार करते हुए और ऊपर की ओर जा रही हूँ। इस पृथ्वी लोक को मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। अपने मन और अपनी बुद्धि बल के आधार से इस पांच तत्वों की दुनिया की आकर्षण से मैं अपने आप को दूर कर रही हूँ, डिटैच कर रही हूँ। मेरी ये यात्रा बहुत रूहानियत वाला यात्रा है। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सितारा इस पृथ्वी लोक से दूर, पांच तत्वों से दूर, धीरे धीरे एक प्रकाश में दुनिया के अंदर प्रवेश हो रही हूँ, जहाँ चारों तरफ लाल रंग के प्रकाश ही प्रकाश हैं। जहाँ कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, कोई भी प्रकार का विकार नहीं है, और ये दुनिया मुझ आत्मा का घर है, शांति धाम, परम धाम, जहाँ मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा रह रहे हैं। धीरे धीरे मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा इस प्रकाश में दुनिया की और गहराई के अंदर जा रही हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने अति सुंदर सा जगमगाता हुआ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मेरे पिता परमात्मा सामने है। बहुत प्रकाशमान है, तेजोमय है, लेकिन बहुत शीतल है बाबा। मैं बाबा की सामने हूँ और बाबा मेरे सामने हैं। मैं बाबा की अति प्रिय संतान हूँ। धीरे धीरे बाबा की ओर से वो लाल प्रकाश के किरणें मुझ आत्मा की ओर आ रही है, और बाबा की उस प्रकाशमय किरणों से मैं भी अति प्रकाशमान होती जा रही हूँ। एक अद्भुत शक्तियों की लहर आ रही है, एक अलौकिक शांति की लहर आ रही है। मुझ आत्मा के चारों तरफ
शांति और शक्ति की लहरें हैं। मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। आत्मा बहुत हल्की है। पांच तत्वों की दुनिया से दूर परमात्मा गोद में बैठी हूँ मैं, बाबा की गोद में बैठी हूँ मैं। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहा है और बाबा की दृष्टि में अनंत शक्तियाँ समाई हुई हैं। धीरे धीरे बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा से वो शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए मेरी यात्रा फिर से नीचे की ओर हो रही है। उस प्रकाशमान दिव्य ज्योति के घर से मैं धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हूँ। विजुअलाइज करें, अपने को देखें कि धीरे धीरे मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ और आते आते इस पांच तत्वों की दुनिया ये पृथ्वी लोक के अंदर प्रवेश हो रही हूँ। चांद, सूरज, तारागण, इन सबको पार कर रहे हूँ। आकाश को पार कर रहे हूँ। जल, वायु, अग्नि, इन सभी तत्वों को पार करते हुए मैं फिर से इस रूम के अंदर प्रवेश हो रही हूँ और धीरे धीरे इस मस्तक रूपी सिंहासन पर मैं बैठ रही हूँ। एक अलौकिक शक्ति मेरे साथ है। मैं आत्मा एक अलौकिक शक्ति पुंज हूँ जो कि शांति और शक्ति से भरा हुआ है। वर्तमान मेरी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है। चारों तरफ एक शांति की लहर है। कोई भी प्रकार की आवाज़ नहीं, आवाज़ से मैं दूर हूँ। और धीरे धीरे मेरी दृष्टि मेरे आसपास जो भी है सबकी तरफ जा रही है और जिनको भी मैं देख रही हूँ मेरे से वो शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस रेडिएट हो रही है और उन तक पहुंच रही है। इस वाइब्रेशन को वो आत्माएं भी फील कर रहे हैं। इसी शांति और शक्ति के वाइब्रेशन को अपने पास रख करके धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का ये पूरा प्रैक्टिकल मेडिटेशन जो कि हमें रेगुलर हमें करना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आप देखिएगा ये मेडिटेशन को करने के बाद
अगर हम तुरंत बोलने की भी अगर हम कोशिश करें तो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि एक कंप्लीट साइलेंस जोन का अनुभूति हम करके आए हुए रहते। भले हमें कुछ दिखाई ना भी दे रहा हो, लेकिन हमारे संकल्पों में इतनी पावर होती है कि जो हमें वो अनुभव करा ही देती है धीरे 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 धीरे। इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस सबको परफेक्ट करा ही देगा, कोई परफेक्शन को लेकर के नहीं आते, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर पैशंस को रखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज की सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करें। कल फिर 4:30 तक हम सभी है ना यही क्लास पर फिर से हम आएंगे इकट्ठे, एक दूसरे के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सबको ओम शांति।